नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल को दो दिन बाद यानी 20 जनवरी को अंतरावली सराटी गांव से मुंबई की ओर रवाना होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब तक महाराष्ट्र के सभी मराठाओं को कुनबी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, तब तक अपना आंदोलन पीछे नहीं लेने की भूमिका मनोज जरांगे ने स्पष्ट की है। साथ ही मनोज जरांगे के मुंबई आंदोलन के लिए जोरदार तैयारियां की जा रही है, जिसके चलते यह आंदोलन काफी बड़ा होने की संभावना है और इसे लेकर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन्हीं तमाम हालातों के बीच राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों के नाम एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कुनबी संबंधी दस्तावेज व अभिलेख प्राप्त हो चुके मराठाओं को तत्काल कुनबी प्रमाण पत्र वितरित करने हेतु कहा है। साथ ही सभी जिले में शिविर आयोजित कर प्रमाण पत्र वितरित करने के निर्देश दिए गए है। बता दें कि राज्य में 54 लाख मराठाओं के कुनबी संबंधी सरकारी दस्तावेज प्राप्त हो गए है, जिन्हें कुछ भी प्रमाण पत्र वितरित करने के काम को अब गति मिलेगी। वही मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मनोज जरांगे ने खुद को आंदोलन पर अडिग बताते हुए सरकार के सामने एक शर्त रखी है और कहा है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज को 20 जनवरी से पहले कितने प्रमाण पत्र वितरित किए गए, हमें इसका डाटा लगेगा, तभी हम इस पर भरोसा करेंगे। साथ ही मनोज जरांगे ने यह भी कहा कि जिन 54 लाख मराठाओं के कुनबी संबंधी सरकारी दस्तावेज प्राप्त हो गए है, अब उन्हें व उनके परिजनों को 20 तारीख से पहले प्रमाण पत्र देने के साथ ही उनके रक्त संबंधियों के मामले का भी समाधान अगर खोजा जाता तो आंदोलन पीछे लेने पर विचार किया जा सकता है, अन्यथा हम 20 जनवरी से मुंबई में आंदोलन करने पर अड़ी गए। वही इसी बीच तेजी से घटित हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के दौरान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर विधायक बच्चू कडू भी सरकारी अध्यादेश का ड्राफ्ट लेकर जालना के अंतरवाली सराटी गांव हेतु रवाना हो गए, जहां पर वे मनोज जरांगे को पढ़ने हेतु सरकारी अध्यादेश का ड्राफ्ट सौंपेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग एवं पुलिस महासंचालक कार्यालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के चलते विगत दिनों अमरावती रेंज सहित शहर पुलिस आयुक्तालय व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा अपने कई पुलिस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत अपने पैतृक स्थान पर नियुक्त रहने वाले अथवा विगत 4 वर्ष के दौरान एक ही स्थान पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए थे। परंतु अब यह जानकारी सामने आई है कि तबादला आदेश जारी होने के बावजूद भी सभी अधिकारियों को उनकी पुरानी नियुक्ति वाले स्थान पर ही फिलहाल कायम रखा गया और नई नियुक्ति वाले स्थान पर जाने हेतु रिलीज नहीं किया गया। यह स्थिति आगामी 22 जनवरी तक यथावत कायम रहेगी, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित राम मंदिर लोकार्पण व प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर शहर सहित जिले के संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक पुलिस बंदोबस्त लगाया जाना है। इसी समय पुराने अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तो संभवतः नए अधिकारियों के लिए स्थिति को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस संदर्भ में जानकारी व प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर शहर एवं ग्रामीण पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस धारणा को खारिज करते हुए बताया कि यद्यपि केंद्रीय निर्वाचन आयोग व पुलिस महासंचालक कार्यालय द्वारा आगामी चुनाव के मद्देनजर दिए गए निर्देशानुसार तबादलों के आदेश जारी किए गए हैं, परंतु फिलहाल इस आदेश पर अमल नहीं हुआ है तथा तबादला किए गए अधिकारियों के रिलीव ऑर्डर जारी नहीं हुए है। ऐसे में फिलहाल सभी अधिकारी अपने अपने स्थान पर व पदों पर ही कायम रहेंगे। अमरावती महानगर पालिका द्वारा शहर में साफ सफाई हेतु अमल में लाई जा रही जोन न्याय ठेका पद्धति के खिलाफ अदालत पहुंचे पुराने सफाई ठेकेदारों को आज उस समय बड़ा झटका लगा जब मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जोन न्याय ठेका पद्धति के संदर्भ में मनपा द्वारा चलाई जा रही प्रक्रिया पर स्थगन आदेश देने से मना कर दिया। साथ ही इस मामले में मनपा प्रशासन को अपना जवाब पेश करने हेतु 1 माह का समय भी दिया है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अमरावती मनपा क्षेत्र में जोन न्याय ठेका पद्धति को लेकर चल रही प्रक्रिया बदस्तूर जारी रहेगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में लोकसभा की प्रदेश से सभी 48 सीटों के बारे में बातचीत चल रही है। चर्चा अंतिम दौर में पहुंची है। विनिंग मेरिट के आधार पर आसनों का बंटवारा होगा। हालांकि बार बार पूछने पर भी पटोले निश्चित आंकड़ा बताने से कतराते रहे। उन्होंने यह जरूर कहा कि अगले पखवाड़े भर में अमरावती सहित कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आरम्भ हो जाएगी। यहाँ अमरावती विभागीय पार्टी बैठक हेतु पधारे विधायक पटोले ने होटल ग्रैंड महफिल में मीडिया से
बात कर रहे थे, उन्होंने अनेक प्रश्नों के जोरदार उत्तर दिए, कुछ सवालों को टाल दिया। यह कांग्रेस की स्थिति अच्छी होने का दावा कर पटोले ने कहा कि सुरक्षित सीट कई पार्टी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव लड़ने में इच्छुक है। कांग्रेस पार्टी महासचिव और महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भाजपा का चुनावी इवेंट बताया। चुनावी लाभ के लिए पीएम मोदी यह कर रहे हैं, जबकि मंदिर अभी अधूरा है। पार्टी महासचिव ने स्पष्ट किया कि किसी भी नेता को अयोध्या जाने से रोका नहीं गया है। हम सभी राम भक्त हैं, हम राम मंदिर पूरा होने के बाद जाएंगे। चेन्नीथला ने पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे और उनकी पुत्री विधायक प्रणीति शिंदे के कांग्रेस छोड़ने को महज अफवाह बताया। यह अमरावती विभागीय बैठक हेतु पधारे केरल के वरिष्ठ नेता चेन्नीथला ने दावा किया कि शिंदे पिता पुत्री अभी भी पार्टी में है। मीडिया से बातचीत में चेन्नीथला ने दावा किया कि लोकसभा हो या विधानसभा, महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके साथ महाविकास आघाड़ी के लिए पोषक वातावरण है। यह पार्टी और आघाड़ी को इस बार जोरदार चुनावी सफलता मिलने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा पर सरासर धोखा देने का आरोप किया। यह विभागीय पार्टी समीक्षा बैठक हेतु पधारे चव्हाण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी लहर में भी केवल कांग्रेस और राकापा नेता कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के बल पर नवनीत राणा विजयी हुई थी, लोकसभा पहुंची। दिल्ली पहुंचते ही राणा ने पाला बदल दिया। यह अमरावती के वोटर्स के साथ साफ धोखाधड़ी होने की बात चव्हाण ने कही। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा को एकदम पाला बदलने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से चर्चा करनी चाहिए थी। चव्हाण के अनुसार कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता राणा द्वारा उनका विश्वास तोड़े जाने की वजह से बेहद नाराज है। तुम्ही निवडून आमच्या समर्थनावर येता आणि काही दिवसातच काही क्षणातच तुम्ही दुसरी उडी मारता, मला वाटतं हे अपेक्षित नव्हतं। त्यामुळे त्यांनी तर ज्या पक्षाने त्यांना मदत केली, ही जागा राष्ट्रवादीकडे सोडली होती त्यावेळेस एक विशिष्ट परिस्थितीमध्ये, त्यांनी ती राणांना दिली, त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आणि विशेषतः काँग्रेसच्या अधिक मदतीने त्यांनी ज्यावेळेस जागा घेतली त्यावेळेस त्यांनी किमान काँग्रेसला विश्वासात घेतल्याचा कुठला निर्णय राजकीय घ्यायला नको पाहिजे होता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि इस पार्टी के पास अपना कुछ नहीं है, सभी नेता आयातित है। वे अमरावती की होटल ग्रैंड महफिल में मीडिया से बातचीत कर बोल रहे थे। संवाददाताओं ने उनसे पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे और पूर्व सांसद राजू शेट्टी को भाजपा से ऑफर के विषय में प्रश्न किए। तब थोरात ने कहा कि केंद्र में 10 वर्षों से सत्तारूढ़ भाजपा की स्थिति कितनी बुरी है, इस बात का पता उपरोक्त ऑफर से पता चलता है। जिले में 1830 बूथ में से 1400 बूथ की प्रभारियों की लिस्ट तैयार होने की जानकारी आज प्रदेश कांग्रेस की अमरावती विभाग स्तरीय बैठक में दी गई। शहर जिला कांग्रेस के काम पर प्रदेश कांग्रेस ने नाखुशी व्यक्त की। प्रदेशाध्यक्ष ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि यह चुनाव करो या मरो का है, इसलिए पूरी गंभीरता से काम करना होगा। 5 फरवरी तक सभी लिस्ट तैयार करने के निर्देश उन्होंने दिए। ये भी कहा कि 2 महीने पहले लिस्ट बनाने कहा गया था, उस समय की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद आधे अधूरे काम को लेकर वरिष्ठ नेताओं द्वारा जिला कांग्रेस को फटकार लगाए जाने के समाचार है। जिले सहित संभाग के सहकार क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित रहने वाली जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के नए संचालक मंडल की पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया का पालन किया गया। निर्विरोध तरीके से हुई इस प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद पर बैंक के संस्थापक अध्यक्ष रहने वाले अविनाश कोठाले तथा उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप चौधरी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष पद के लिए अविनाश कोठाले का नाम लगभग तय माना जा रहा था, वही उपाध्यक्ष पद को लेकर अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही थी। जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के 15 सदस्यीय संचालक मंडल का चयन हेतु विगत 31 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। पश्चात 1 जनवरी को मतगणना करते हुए चुनावी नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें अविनाश कोठाले के नेतृत्व वाले जिजाऊ सहकार पैनल ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। वही शेष 5 सीटों पर परिवर्तन पैनल के अरविंद गावंडे एवं उनके समर्थक विजयी हुए थे। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता तथा विश्वभर में विख्यात आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का आगामी 9 फरवरी को अमरावती आगमन होने जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थानीय शाखा तथा पीआर पोटे पाटिल शिक्षा संस्था के बुलावे पर अमरावती आ रहे श्री श्री रविशंकर का दौरा लगभग तय हो चुका है। साथ ही अमरावती में उनका खुला सेशन रखने का नियोजन किया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय साइंस कोर मैदान पर शाम 4 से 6 बजे तक उनका भव्य दिव्य खुला सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले भर से 50,000 से डीओटी वो फॉलोअर उपस्थित रहेंगे, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है।
इससे पहले 15 जनवरी 2014 को भाजपा विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा पोटे शिक्षा संस्था के बुलावे पर श्री श्री रविशंकर का अमरावती आगमन हुआ था। उस समय उन्होंने पोटे शिक्षा संस्था में आयोजित टेकलॉन्स को संबोधित करने के साथ ही साइंस कोर मैदान पर अपने हजारों फॉलोअर्स का भी मार्गदर्शन किया था। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए 43 नामों में से 15 पांच नाम तय किए गए हैं, जिन्हें राजभवन द्वारा 20 जनवरी को होने वाले साक्षात्कार हेतु ईमेल भी भेज दिए गए हैं। परंतु अंतिम पांच नामों में एक भी व्यक्ति मूलतः अमरावती से वास्ता नहीं रखता। साथ ही अंतिम पांच नामों को देखने पर यह भी स्पष्ट होता है कि इसमें से चार नाम डमी प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं तथा यह सारी सीटिंग नागपुर से वास्ता रखने वाले और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी रहने वाले डॉक्टर मिलिंद बारहाते को अमरावती का कुलगुरु बनाने हेतु चल रही है। इस आशय का आरोप युवक कांग्रेस पार्टी द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में लगाया गया। विद्यापीठ के कुलगुरु के लिए जो चुनाव प्रक्रिया पार पड़ रही है उसमें ये चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से मैनेज की हुई है क्योंकि प्रसार माध्यम के माध्यम से अभी ही डॉक्टर मिलिंद बाराहाते का नाम सबसे पहले नंबर पे आया हुआ है। हमारा ये मानना है कि जैसा इसमें डॉक्टर एएम महाजन जो है वो 31/12/2023 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं, अगर ये सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनको वो इसमें लिया हुआ था मुलाकात के लिए, तो अमरावती के विद्यापीठ में के जो और भी अच्छे कैंडिडेट जो थे अमरावती के विद्यापीठ में के एक भी कैंडिडेट को न लेते हुए हमेशा की तरह उन्होंने नागपुर की लॉबिंग लगा के संघ परिवार में के लोगों को ही, जैसे इसमें भी एक कुछ संघ में के एक मराठे सर है, इसी लॉबिंग के चलते हुए उन्होंने 5 लोगों को सिर्फ सिलेक्शन किया और उनकी पूरी मंशा है कि इसमें सिर्फ संघ परिवार के ही कुलगुरु बने और उसके जरिए ये विद्यापीठ पे राज कर सके। इसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस की वजह से यह पत्रकार परिषद आयोजित की हुई है। देश भर में हाहाकार मचाने वाले कोरोना के नए JN1 और JN1.1 वेरिएंट का अमरावती शहर में भी आगमन हुआ है। इसमें JN1 के 3 मरीज और JN11 वेरिएंट के 6 मरीज पाए गए। जिले में अब तक 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन सभी मरीजों के हालत में सुधार हुआ है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान अंतर्गत चलाए जाने वाले उपक्रमों में राज्य के 9 जिले काफी पिछड़ गए हैं। राज्य स्तर पर तैयार की गई रैंकिंग में यह बात स्पष्ट हुई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी व जिला शल्य चिकित्सक अंतर्गत 9 जिलों के अस्पतालों में स्वास्थ्य विषयक सेवा पर प्रभावी रूप से अमल नहीं हुआ है। इन जिलों में नागरिकों को दर्जेदार स्वास्थ्य सेवा मिली न रहने की बात स्पष्ट होती है। सीटू की अगुवाई में आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन का जिलाधिकारी कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन 14 दिन भी जारी रहा। यह आंदोलन सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी दर्जा देने की मांग को लेकर कॉमरेड रमेश सोनूले के मार्गदर्शन में शुरू है। सैकड़ों आंगनवाड़ी सेविका आंदोलन में सहभागी है, शासन फिर भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडल के अमरावती विभागीय कार्यालय को मंजूरी मिली है। उसे वर्ष 2023-2024 वर्ष से तत्काल शुरू करने की मांग शिवसेना शिंदे गुट के अमरावती शहर प्रमुख आशीष ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल से ज्ञापन सौंपकर की है। पिछले मंगलवार की सुबह 9:30 बजे आसमा कॉलोनी मस्जिद मैदान परिसर में 8 से 10 आवारा कुत्तों के झुंड ने 3 साल के वहीद खान मोहसिन खान पर जानलेवा हमला कर उसे जगह जगह काटकर जख्मी कर दिया। जख्मी अवस्था में मासूम बच्चे को सुपर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत गंभीर बताई, जिसके चलते मनपा प्रशासन के पशु वैद्यकीय विभाग के लापरवाह अधिकारी व मनपा प्रशासन पर FIR दर्ज करने हेतु अमरावती शहर के पश्चिमी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने FIR की मांग नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार से की है। यूनिट बंद करने के पूर्व व्यवस्थापन द्वारा 60 दिनों के भीतर नोटिस देना बंधनकारक होता है, फिर भी जाधव गेयर्स ने 22 दिसंबर 2023 को नोटिस देकर उसी दिन यूनिट पूरी तरह बंद करने से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 द्वारा 25FFA के नियमों का उल्लंघन किया। जाधव गेयर्स कंपनी द्वारा 4 जनवरी को सहायक कामगार आयुक्त को दिए गए पत्र के साथ ही पगार बंद की सूची के संदर्भ में जाधव गेयर्स कंपनी गैरकानूनी रूप से बंद करने का आरोप मजदूरों ने लगाया है। परम पूज्य दाजी साहेब पटवर्धन के विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन के रंग मंदिर में कुष्ठ रोगियों के मनोरंजन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के लिए 30 विविध गायकों का लाइव संगीत शो कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन डॉक्टर गोविंद कासट मित्र मंडली संगीत साधना कराओ के क्लब राजापेट और संगम ऑर्केस्ट्रा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की चिकलदरा तहसील अंतर्गत हथरू गांव के पास स्थित जंगल में बाघ द्वारा नंदा राजू काजदेकर नामक 48 वर्षीय किसान पर हमला कर उसे जान से मार दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल तुरंत ही हथरू गांव पहुंचे तथा उन्होंने अपनी देखरेख के तहत वन विभाग एवं पुलिस विभाग के जरिए पंचनामे की प्रक्रिया पूर्ण करवाई, जिसके उपरांत मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु चूरनी स्थित उपजिला अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही इसी दौरान विधायक राजकुमार पटेल ने अमरावती की मुख्य वनरक्षक तथा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की क्षेत्र संचालक ज्योति बैनर्जी से संपर्क करते हुए मृतक के परिजन को 1,00,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि का धनादेश दिलवाया। साथ ही आगे भी वन विभाग के नियम अनुसार संबंधित परिवार को आवश्यक सानुग्रह अनुदान राशि देने का आह्वान किया गया। अमरावती महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने आज अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई करते हुए विलासनगर रोड, शेगांव नाका, आशियाट कॉलोनी, गाड़गे नगर, पंचोटी चौक, सातुरना, डीमार्ट, गोपाल नगर, बडनेरा, जस्तम चौक, आठोड़ी बाजार आदि चौक पर अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए कई जगहों का अतिक्रमण हटाया गया। बीती रात चांदनी चौक स्थित लैंड डेवलपर्स व बिल्डर के कार्यालय के शटर व बोर्ड की तोड़फोड़ करने के मामले में नामजद किए गए मोहम्मद खिजर शेख हुस्नुद्दीन को ट्रांसपोर्ट नगर परिसर से अपराध शाखा ने अपनी हिरासत में लिया। इस समय मोहम्मद खिजर के पास से फरसे जैसे तेज धारदार हथियार भी जब्त किए गए। अपनी विवाहित प्रेमिका को अपना बनाने के लिए एक युवक ने पहले उसके पति की हत्या की और उसे अपने गांव में किराए का घर दिलवाया, लेकिन जब उसे पता चला कि मकान मालिक के बेटे की उक्त महिला पर गलत नजर है तो उसने मकान मालिक के बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। यह घटना यवतमाल जिले के लालखेड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 वर्ष पहले घटित हुई थी, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने अब नेर में रहने वाले संजय अमर सिंह आड़े नामक 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में दोनों हत्याओं को लेकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अकोला के तहसील कार्यालय में मंडल अधिकारी के तौर पर कार्यरत महादेव उत्तमराव भगत इनको एक व्यक्ति से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगने तथा बातचीत के बाद 20,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। यह कार्यवाही 17 जनवरी को चांदेकर चौक स्थित रसिक ऑटोमोबाइल की दुकान के पास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग द्वारा की गई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।